हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको बताना चाहूँगा आज का स्पेशल क्लास, जो आप लोगों का स्पेशली आज से जो है आप लोगों का साइंस का क्लास शुरू होने वाला है ना। तो साइंस के क्लास में जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्या क्या आप लोगों का किस तरीके से प्रीलिम्स में आप लोगों का आता है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप लोग जानोगे नहीं कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है, जब तक आप कैसे क्लियर करोगे। तो आज सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों का क्या क्या जो है आप लोगों का आता है। ये मेंस का थर्ड सेट में जो आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल पोर्शन आप लोगों का एमपीपीएससी में आता है। अब यदि आता है तो क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाऊँगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिट फर्स्ट में जो आप लोगों का अभी फिलहाल मैं जो आपको बता चुका हूँ, इसी क्रम में आप लोग देख सकते हो मेरा कोर्स का पेज बना हुआ है। मीन्स ये जो टॉपिक आप लोगों को पूछे जाएंगे ना, इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम से। तो आप लोगों को पूछा जा रहा है, पहला जो आप लोगों का टॉपिक है कार्यबल एवं ऊर्जा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो आप लोगों का मेन टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन, वायुमंडलीय दाब एंड आप लोगों का वर्क, ये क्या रहता है, इकाइयाँ और माप दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण हैं, गति, वेग, त्वरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का इसमें पूछी जाएंगी। अब बात की जाती है साउंड की, तो साउंड इफेक्ट भी आप लोगों का जो है सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग आता है, या कहें टॉपिक के अकॉर्डिंग आता है। इसमें जो आप लोगों का ध्वनि, इसकी परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि किस तरीके से होती है, शोर संगीत क्या होता है, ध्वनि संबंधी शब्दावली, आयाम क्या होता है, तरंग की लंबाई क्या है, कंपन की आवृत्ति क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछना है। एक्चुअल में ये सेकंड कोर्स है तो आप लोग काफ़ी क्या कोई अभी आया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को यदि बाद में भी देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट स्किप, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पूरा कोर्स इस तरीके से एक बार कंप्लीट करवाऊंगा कि फाइनली आप लोगों को इसमें से अचीवमेंट मिल ही जाएगा। ओके, ये टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है विद्युत हो गया, फिर आप लोगों का चुम्बक, चुम्बक मीन्स आप लोगों का मैग्नेट में आप लोगों का क्या क्या आता है। सबसे पहले चुम्बक के क्या गुण होते हैं, चुम्बक कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले चुम्बकत्व की खोज कहाँ की थी, किसने की थी, दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें कन्फ्लिक्ट रूप से तैयार करना है। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आप लोगों का लाइट आता है, प्रकाश। प्रकाश अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक ओनली वन कंटेंट मीन्स प्रकाश मात्र के ऊपर आपकी बुक लिखी जा सकती है, काफी अच्छी मोटी। इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसमें आप लोगों का है वो है परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ जानकारियां, प्रतिबिंब में क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ हम लाइट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों का विवर्तन, व्यतिकरण, ये जो घटनाएं आप लोगों की साउंड के साथ रहती है, सेम कंडीशन आप लोगों का लाइट के साथ भी पुट होता है। तो आप लोगों को इसका भी मूल रूप से ध्वनि के साथ इसको हम नेक्स्ट कंटेंट में, जो मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी डाल रखा है ना विद्युत, सेम उसके नीचे हम क्या पढ़ेंगे, लाइट ही पढ़ेंगे। ओके, ऊष्मा, भाई ऊष्मा आप लोगों को एक काफ़ी जो पॉपुलर क्वेश्चन आप लोगों का है कि हीट टेम्परेचर हाई होता है कि हीट हाई होती है, तो आप लोग ऑब्वियसली जानोगे हीट हाई होता है बिकॉज ऑफ इसमें जो आप लोगों का गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा जिसको कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्मामीटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस आधार पर ये वर्क करता है, ये आप लोगों को प्रीलिम्स में नहीं, भाई स्पेशली मैं मेंस के टॉपिक को अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि साइंस को एक्सप्लेन करना यदि आपको आ गया या आप कंटेंट को अच्छे से समझ पाए तो ही आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज टोटली इम्पॉसिबल। ओके, फिलहाल इसमें सेकेंड यूनिट जो आप लोगों की आती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आती है। केमिस्ट्री में आप लोगों का जो है यौगिक तत्व मिश्रण क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, रासायनिक प्रतीक गुण क्या है, पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता क्या है, कितना क्या परसेंटेज में रहता है ना, ये सारी चीज़ें जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल आज भी ऐसा नहीं है, हम कंपेयर जो है नहीं करेंगे, आज भी हम कुछ एक चीज़ें पढ़ेंगे
फिलहाल मैं आपको पहले ये बता दूं जो कि आप लोगों को बहुत ही जानना जरूरी है, अदरवाइज आप जैसे टॉपिक से बाहर भी निकल जाते हो तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस सब पढ़ते हैं लेकिन पीएससी पूरा साइंस नहीं पूछता है, आपको जो पूछता है आपको वो पढ़ना है। ओके, अभी आप लोगों को मैटर पदार्थ क्या होता है, धातुएं अधातुएं क्या होती हैं, आवर्त सारणी भाई सबसे पहले किसने बनाई थी, क्या कारण था भाई दूसरी आवर्त सारणी आपको बनानी पड़ी, क्या पहली में पूर्ति नहीं हो पा रही है आपकी, पहली आवर्त सारणी बनाने का आधार क्या था, दूसरी आवर्त सारणी के बनाने का आधार क्या था, दूसरी किसने बनाई उसका आधुनिक प्रणाली में क्या उपयोग है, पहली किसने बनाई उसका आधुनिक प्रणाली में क्या उपयोग है, क्या दोनों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है या नहीं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्चुअल है नहीं है, ये एक्सप्लेन लेवल के हैं और आप इनको किस तरीके से मेंस में एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि तो प्री आप लोगों का टिक रहता है, मेंस आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होता है, तो आप लोग जान सकते हो जब तक आप उस चीज के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन जानकारी नहीं लोगे इम्पॉसिबल आप उसको क्रैक कर पाओ। मैं आपको पूरा साइंस का पोर्शन कवर करवा सकता हूँ बट इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन अपना मेंस में करोगे। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों का क्या क्या प्रीलिम्स और मेंस में आता है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप लोगों का जो है फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक आता है मैंने आपको बता दिए, केमिस्ट्री में आप लोग क्या क्या टॉपिक आते हैं ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को जब पता नहीं होगा क्या लिखना है क्या छोड़ना है जब तक आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का अम्ल क्षार एसिड बेस क्या होता है, लवण क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, उसका कहाँ उपयोग करते हैं एंड हमारे रेगुलर जीवन रेगुलर लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है पीएच वैल्यू का, हम इसको टोटली इग्नोर करके चलते हैं भाई, लाइफ तो उनकी भी चलती है जो पीएच मान नहीं जानते हैं, लेकिन हम यदि जानते हैं तो हम उसके लिए क्या स्पेशल करते हैं, उसका क्या हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जरिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको जानना होगा। भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या उपयोग है, ये आप लोगों का रसायन का कोर्स था भाई, रसायन की इतनी मोटी मोटी बुक यदि आप पढ़ लेते हो तो उसका कोई फायदा आपको नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है और सिलेक्टेड मटेरियल में सिलेक्टेड आइटम मैंने आपको ये दे दिए, सिर्फ आपको यही पढ़ना है, बिकॉज ऑफ ये जो मैंने दिया है कहीं आसमान से उतार कर नहीं लाया हूँ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो वो लोग सिलेबस जारी करते हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है एंड कुछ आपके सामने जादू नहीं किया है, बट आपको बिलीव करना होगा कि यही सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। थर्ड यूनिट जो आप लोगों की आती है मेंस के अकॉर्डिंग वो आप लोगों की आती है वायु की, वायु में आप लोगों का सूक्ष्म जीव क्या होता है, जैविक कृषि क्या होती है, झूमिंग खेती आप लोगों ने नाम सुना होगा झूमिंग, हालांकि हमारे एमपी में जो अपना महाराष्ट्र से लगा हुआ एक अलीराजपुर राजस्थान सॉरी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है, मैंने एमपी में पढ़ाया था वो, अलीराजपुर में झूमिंग खेती काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हमारे साथ एक टीचर रहते थे उनके यहाँ होती है इसीलिए मुझे पता है ये। एंड कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना किसके द्वारा की गई, हमारी शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, क्या हमारा शरीर कार्बन का बना हुआ है, ऐसा काफी सारे लोग कहते हैं, काफी सारे लोग कहते हैं भाई हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ है, क्या कोशिका कार्बन की बनी हुई है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पढ़ेंगे हम पौधों के बारे में, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे फूल पत्ती अपना जन्म लेते हैं, कैसे एक नए पौधे की संरचना का निर्माण होता है, आहार संतुलन किस तरीके से, विटामिन एंड हीन टाइप जन्य जो रोग उनमें केंद्रक होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, काफी सारे हार्मोन्स की पूर्ति जो है हमारे पेड़ पौधे हमारे शरीर में करते हैं वो किस तरीके से आप लोगों को करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। जीवों में श्वसन कैसे होता है, अभी यहां पर एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है जीवों में श्वसन, जीव का मतलब यहां पर जिसमें जीवन है उसके बारे में श्वसन, पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं और आपको सभी के बारे में जानना अनिवार्य है यदि आप मेंस लिखना चाहते हो तो, बिकॉज ऑफ वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसने सिर्फ आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है जीवों में श्वसन,
अभी वो किसी भी जीव का स्वतंत्र आपसे पूछ सकता है, और मनुष्य का पिछले कई वर्षों से नहीं पूछा गया है। विगत वर्षों के पेपर मैंने आपको दिखा रखे हैं, तो उसमें मेंस में कभी भी मनुष्य का नहीं पूछा गया है। कोई तो व्यक्ति अपने बारे में जानकारी लगाना जो उचित समझता है, तो उसको उसके बारे में पता होता है। अगला आप लोगों का पशुओं और पौधों के परिसंचरण तंत्र, प्रबंधन तंत्र क्या होता है, पशुओं और पौधों में प्रजनन कैसे होता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा बीमारियां क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो मिश ये भौतिक विज्ञान की आप लोगों का हो गया कि परिभाषा हो गई, कहाँ से लिया गया शब्द आप लोगों का, ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। और सेकेंड बात आप लोगों का कि ऊर्जा का अध्ययन और भौतिक पदार्थ का अध्ययन, इन दोनों के परस्पर व्यवहार और नियमों की खोज से संबंधित होता है आप लोगों का भौतिक विज्ञान। ओके, अब इसमें जो आप लोगों का मेन तरीके से जो हमको सबसे शुरुआत से इनिशियली जो हमको पढ़ना होता है, वो आप लोगों का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों की क्या होती हैं, अदिश और सदिश राशियां जो आप लोगों की क्या होती हैं, वो आप लोगों को पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को भौतिक राशियां क्या होती हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। देखो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा भौतिकी के नियमों को, जिन्हें राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भौतिकी के नियम काफी सारे हैं, अभी राशियों के रूप में व्यक्त करने का मतलब है उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे कि फोर्स लगाया जा रहा है, लेंथ है, फोर्स है, और आप लोगों का स्पीड है, वेलोसिटी है मीन्स लंबाई चाल, बल है वस्तु का द्रव्यमान है, और डेंसिटी घनत्व, ये सारी चीजें आप लोग के यदि हमको दिखाई दे रही हैं, उन चीजों को हम राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कितना सेंटीमीटर लंबा है, या कितना उस पर फोर्स, कितने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, कितनी किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, उसकी चाल हो गई, उसका द्रव्यमान क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है क्लियर होना चाहिए। भौतिक जो आप लोगों की राशियां होती हैं वो फाइनली दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर, मतलब एक सदिश और एक अदिश। अभी हमको नाम से ही क्लियर हो रहा है अदिश, अदिश का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, अदिश मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, अदिश मतलब वे राशियां जो एक परिभाषा के अकॉर्डिंग समझना एक अलग बात होती है, चीजों को समझना अलग बात होती है। तो आपको क्या है समझना है, डेफिनेशन तो आप कहीं से भी रट सकते हो। तो अदिश राशियों की बात की जा रही है, तो अदिश राशियां कौन सी होती हैं और सदिश राशियां कौन सी होती हैं। सदिश राशियां जो है व्यक्त करने के लिए प्रमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है आप लोगों की, सदिश होती हैं, और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ प्रमाण की। प्रमाण आप लोगों क्या होता है, आप लोगों का मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है वो आप लोगों का परिमाण होता है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर लंबा। तो यहां पर जो आप लोगों का बताएगा ना 6 सेंटीमीटर, वो 6 जो आप लोगों का है वो परिमाण है, लंबाई तो नहीं बताएगा ना। 6 सेंटीमीटर लंबा किस दिशा में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोगों को यही ध्यान रखना है, अदिश राशियां वे राशियां जिनके निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मूल रूप से कौन कौन सी राशियां, इनको डायरेक्टली याद कर लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। और पेपर में कैसे आएगा, मैथ्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं, काफी हल्का क्वेश्चन हो जाएगा। फाइनली आपसे ये पूछा जाएगा कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार की राशियां होती हैं, दो प्रकार की होती हैं सदिश और अदिश, मतलब स्केलर और वेक्टर। ओके, फिर आप लोगों का अदिश राशियों की बात कर रहा है, तो जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वो आप लोगों की अदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, अदिश राशि क्लियर हो गया। अब द्रव्यमान चाल दूरी, ये जो आप लोगों की है वो अदिश राशियां, कौन कौन सी, द्रव्यमान चाल दूरी ऊर्जा आवेग विद्युत धारा विभव इत्यादि जो आप लोगों की राशियां हैं वो आप लोगों की अदिश राशियां, मतलब इनके लिए कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि उदाहरण ले आप लोगों का चाल, भाई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, कहीं ना कहीं आपको दिशा की आवश्यकता तो उसमें कहीं नहीं है, वो चल रही है तो वही चल रही है बस। समय 10 बज गए, अब 10 क्या उत्तर में बज गए या दक्षिण में बजे, वो तो फाइनली आप लोगों को बताना है। 10 बजे मीन्स आप लोगों का कहीं भी इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग किस दिशा में बजे ना, आप लोगों को टाइमिंग पूछा जा रहा है, टाइमिंग आप लोगों को परिमाण, आप कंफ्लिक्ट बता रहे हो, परिमाण परिमाण आप लोगों का एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो आपने बता दिया 10 बज गए। दूरी भाई 10 किलोमीटर की दूरी पर है यहां से वो चीज, को भी कुछ भी हो तो आप लोगों का दूरी हो जाएगा। ऊर्जा आवेग ये सारी सारी चीजें आप लोगों की कैसी हैं, अदिश राशियां। ठीक है, अब बात की जाएगी सदिश राशियां, इसमें भी आप लोगों को नाम से ही प्रतीत हो रहा है सदिश मीन्स जिसमें दिशा की आवश्यकता हो।
तो परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता जिसमें होती है आप लोगों की क्या कहलाती है, वही सदिश राशियां कहलाती हैं मूल रूप से बल। अब बात की जाएगी बल, आपसे बोला जाएगा 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो आप पूछोगे भाई किस दिशा में लगाना है। जैसे कि एक बॉक्स आप लोगों का रखा गया है, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने यदि देखा होगा, बॉक्स तो आपने देखा ही होगा, ये जैसे बॉक्स रखा हुआ है। अब आपसे बोला जाए 10 न्यूटन का बल लगाइए, यदि आपको बताया नहीं जाएगा किस दिशा में लगाना है और वो चाहता है कि वो इधर की ओर खिसकना चाहिए, यदि वो आपको नहीं बताएगा कि यहाँ आपको बल लगाना है, तो आप हो सकता है ऊपर से बल लगा दो, हो सकता है इधर से बल लगा दो, फिलहाल उसको दिशा बतानी होगी किस दिशा में बल लगाना है। ओके, वेग, वेग आप लोगों का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब कितने जो दूरी कितने समय में तय की जा रही है। फाइनली आप लोगों को टाइमिंग का भी इसमें डेस्टिनेशन स्पेशली मतलब निश्चित समय में दूरी एक निश्चित दिशा में तय की जाती है, उसको हम वेग कहते हैं। देखो बा वा वा मतलब बल, विस्थापन और वेग आप लोगों की सदिश राशियां, ये आप लोग रख लीजिए तो भी फायदे में रहोगे क्योंकि पूछ ली जाते हैं। भार और त्वरण इत्यादि आप लोगों की सदिश के उदाहरण है। अब भौतिकी के कुछ और भी राशियां होती हैं, ऐसा तो है नहीं भाई इतना ही आप लोगों का हो जाएगा, कुछ और भी नियमों को जैसे कि हो गया टाइम, हो गया घनत्व, हो गया बल, ताप, अन्य भौतिक राशियों का जो भी व्यक्त किया जाता है उनको अलग अलग माध्यमों से व्यक्त किया जाता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, भौतिकी में मापन की आवश्यकता पड़ी, कोई भी चीज आप लोगों की है कैसी है, क्या लंबी है, क्या मोटी है, क्या उसकी चीज मतलब उसको फाइनली मापने के लिए, किसी भी चीज के मापन के लिए आप लोगों को फाइनली किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। आप लोग मतलब पुराने से पुराने जमाने में चले जाइए, आप लोग कहोगे ऐसा कुछ देना है तो पहले भी कुछ ना कुछ दिया जाता था, वो भी उसकी एक मेजरमेंट इकाई हुआ करती थी, मतलब फिक्स हुआ करता था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों का जैसे एक मटका लेकर के आपको जाना है, वो आपको अनाज चाहिए, तो ये फिक्स है कि एक मटका लेकर के जाओगे तो अनाज आप लोगों को एक मटका भर के मिलेगा, ऐसा होता था। और मटका किसका हो जाएगा, वो उस अनाज वाले व्यक्ति का हो जाएगा। फाइनली कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमको यहाँ पर माप दिखाई दे रही है कि एक मटका में एक मटके के बराबर ही गेहूं दिया जाएगा। ओके, तो मतलब प्राचीन काल से ये पद्धति आप लोगों की चली आ रही है, आधुनिक इनको हाल ही में किया गया है। भौतिक विज्ञान में लंबाई, द्रव्यमान, समय के लिए जो है 3 मूलभूत इकाइयां प्रयुक्त की गई हैं। तो मूल इकाइयों के रूप में आप लोगों का लंबाई, द्रव्यमान, समय ही नहीं है, काफी सारी मूल इकाइयां और कुछ एक व्युत्पन्न इकाइयां भी, उनके बारे में पढ़ते हैं। मूल इकाइयां क्या होती हैं, कि इसी राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाना जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब उन पर किसी का प्रेशर नहीं होता और ना ही वो ऐसे होते हैं कि किसी और की उनको आवश्यकता पड़ेगी, है ना। उनको फंडामेंटल यूनिट्स हम कहते हैं, मूल मात्रा कहते हैं। यही लंबाई हो गया, लंबाई है तो मीटर, फाइनली आप लोगों को किसी और की आवश्यकता तो नहीं है, लंबाई प्रति किलोमीटर, लंबाई उसने चलो मीटर किलोमीटर लंबाई का हो गया। अच्छा यदि लंबाई की बात की जाए कि भाई 10 सेकंड लंबा, 10 सेकंड लंबा एक पजामा दे दो, तो 10 सेकंड क्या, सेकंड तो आप लोगों का टाइमिंग वाला हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप से स्वतंत्र थी कि लंबाई के लिए मीटर प्रयोग किया जाना है, ना कि सेकंड, सेकंड समय के लिए प्रयोग किया जाना है। कहीं ऐसा हो सकता है क्या, 1 मीटर मतलब किसी से पूछा जाए भाई कितने बज गया, भाई 2 मीटर बज गया, तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ जो मीटर आप लोगों का है वो लंबाई का है, समय के लिए पूछा जाता है तो आप लोग सेकेंड या आवर, घंटा कुछ तो प्रयोग करते। फिर बात की जाती है आप लोगों का द्रव्यमान का, द्रव्यमान जो आप लोगों का है किलोग्राम, इसकी मूल इकाई होती है। तो मीटर, सेकेंड और किलोग्राम आप लोगों का 3 यूनिट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर दिख रही होंगी। फिर आप लोगों को व्युत्पन्न इकाइयां, व्युत्पन्न इकाइयां कैसी होती हैं आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, मूल इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयां। थोड़ा सा और बैक में चलता हूँ जिससे आप लोग क्लियर हो जाए क्या क्या पढ़ना है। भौतिकी हमने पढ़ ली, उसकी परिभाषा हमने पढ़ रखी है, फिर उसके बाद भौतिकी राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश अदिश हो गया, फिर कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए और यूनिट की आवश्यकता होती है। यूनिट 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल इकाइयां वो होती हैं जिन पर किसी का प्रेशर नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। और डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न इकाइयां जो आप लोगों की होती हैं वो किसी अन्य फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई जाती है, मतलब आप लोगों का अधिक से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं, तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। मतलब अधिक से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाना, मतलब अधिकतम मूल इकाइयों का प्रयोग किया जाना,
जैसे कि बल हो गया, तो बल न्यूटन वैसे हम कहते हैं, लेकिन फिलहाल इसका मात्रक और कुछ भी होता है ना, एरिया पर मीटर, डाव पास्कल, कार्य आप लोगों का क्या होगा, जूल, विभव के लिए वोल्ट। अब इनको याद क्या करना है, वहां आपको लेकर के चलता हूं। देखो तो हर एक चीज को मापने के लिए अलग अलग इकाई आप लोगों की थी, जैसे सीजीएस मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, चार पद्धतियां आप लोगों की चलती थी। एक न्यू वो लेता हूँ, वहां पर समझाऊंगा। देखो जैसे कि चार होती थी, एसआई हो गया, ओके, सीजीएस हो गया, सीजीएस, और फिर आप लोगों का हो गया एमकेएस, और फिर आप लोगों का हो गया एमकेएस के बाद होता रहा आप लोगों का एफपीएस, फुट पॉइंट सेकंड। अब ये होता किस लिए था, जैसे कि कोई भी चीज आप लोगों की ऐसा यूनिट में दी गई है, सेम चीज सीजीएस मात्रक उसका अलग होगा, एमकेएस मात्रक अलग होगा, एफपीएस अलग होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे कि लंबाई का ले लिया आपने, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा भाई, मीटर। सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। एमकेएस मात्रक क्या होगा भाई, मीटर। एफपीएस मात्रक क्या होगा, फुट। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ। एसआई में कोई इशू नहीं है, सीजीएस में कोई इशू नहीं है, और एमकेएस में कोई इशू नहीं है, एफपीएस में कोई इशू नहीं है, यहां तक कोई परेशानी है क्या? तो ये एसआई के लिए देखो आप लोग देख रहे होंगे, एसआई और एमकेएस जो पद्धति है दिखने में लगभग एक जैसे वशीभूत प्रतीत होते हैं। एसआई और एमकेएस जो आपको दिख रहा है, देखो लंबाई का मीटर इसमें भी है भाई, इसमें भी है, समय का सेकंड इस पर भी है, इस पर भी है, द्रव्यमान का किलोग्राम इसमें भी, इसमें भी है, फिर परेशानी कहाँ आती, दोनों को अलग अलग क्यों लिखा गया भाई? अलग अलग नहीं लिखा गया, बाद में क्या है, एमकेएस का परिवर्तित रूप ऐसा ही है, मतलब प्राचीनतम एमकेएस है, ठीक है। अब एफपीएस जो आप लोगों का है ना, सीजीएस तो आप लोगों का ये हो गया, इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं, सीजीएस जो आप लोगों का है वो फ्रेंच पद्धति है, एफपीएस जो आप लोगों का है वो ब्रिटिश पद्धति है, तो ये आप लोग यहां पर लिख लें तो ठीक रहेगा। सीजीएस आप लोगों का कैसा है, फ्रेंच, सी एच फ्रेंच है, ठीक है। एफपीएस आप लोगों का कैसा है भाई, एफपीएस जो आप लोगों का था वो ब्रिटिश था, एफपीएस जो आप लोगों का ब्रिटिश था, ब्रिटिश, पूरा ना लिखें, इतने से भी काम हो जाएगा, ओके। और आगे आप लोग देखते हो एमकेएस, ये हमारा जो मैंने बताया एसआई का, या एमकेएस जो एसआई का परिवर्तित रूप है, 1960 में जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल विभाग की स्थापना की गई, जब जाकर के एमकेएस का परिवर्तित रूप जो है सामने आया, जिसको हमने एसआई स्वीकार कर लिया, जिसका पूरा नाम जो आप लोगों का क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि ऐसा हो जाता था कि कोई भी चीज आप लोगों ने यहां खरीदी, इसमें व्यापारी वर्ग को बड़ा फायदा था, क्या होता था, यहां पर आप लोगों ने खरीदी 1 सेंटीमीटर लंबी चीज, और वो यदि विदेश में आप लोग बेचने के लिए गए, तो वो भाई 1 सेंटीमीटर वहां पर तो एक मतलब हो सकता है 1 किलोमीटर के भी बराबर हो, मतलब इतना होता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इस तरीके से व्यापारी वर्ग को बड़ा फायदा था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माप तौल की एक ही पद्धति लागू की गई, जिसको हम एसआई कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कभी आपसे पूछिए जाए तो आप लोग बताओगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ओके। यहां तक कोई परेशानी है क्या? देखिए यहां तक कोई परेशानी नहीं है, जिसका पूरा नाम पूछा है तो आप लोग लिखोगे कि सिस्टम डी यूनिट। अब यदि मेंस में लिखने को आएगा तो आप लोग इतना बखेड़ा नहीं पालोगे, सीधा सीधा आप लोगों लिखोगे चार पद्धतियां आप लोग का, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई, और फिर आपको बयान जो देना है वो एसआई के बारे में देना है, बिकॉज ऑफ ये आपकी मॉडर्न है और आधुनिक अभी चल रही है। मेंस में लिखने को आता है तो सिर्फ आप एक्सप्लेन किसको करोगे, एसआई को करोगे, ना कि सब कुछ को। वास्तव में एमकेएस पद्धति का संशोधित एवं परिवर्तित रूप है, ये आप लोगों को दिख रहा है, मैंने अभी आपको बता भी दिया है ना। आजकल जो है आप लोगों का पद्धति का प्रयोग जो किया जाता है, इसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं। अब जो मूल मात्रक आप लोगों के हैं वो कौन कौन से हैं, और जो पूरक मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एसआई के जो आप लोगों के हैं, एसआई के जो आप लोगों के हैं वो कौन कौन से हैं और अलग अलग कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इसकी फाइनली मैं आप लोगों को उसके ऊपर लेकर के चल रहा हूँ,
जो फंडामेंटल यूनिट आप लोगों की हैं उसकी आप लोगों को एक सीरीज यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी। देखो तो सबसे पहले लंबाई के लिए जो आप लोगों का प्रयोग किया जाता है वो आप लोगों क्या प्रयोग किया जाता है, लेंथ। लंबाई के लिए आप लोगों का मीटर प्रयोग किया जाता है, संकेत के रूप में एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम। आप लोगों को क्या है, मीटर ध्यान रखना है। ओके, फिर मैंने अभी आपको बताया द्रव्यमान, तो एसआई यूनिट वाला है, जो एसआई आप लोगों को प्रयोग किया जाता है वही आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ एसआई वाला आप लोगों को ध्यान रखना है और ज्यादा नहीं। एसआई यूनिट आप लोगों को काफी बार पूछा जा सकता है। द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान आप लोगों का किलोग्राम, जिसको हम केजी में व्यक्त करते हैं। टाइमिंग के रूप में यदि देखेंगे, टाइम में सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं। किसी के अभी यदि आपको बताना हो क्या साउंड आ रहा है, क्या इसमें जो आप लोगों का होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात कर रहा है तो विद्युत धारा का क्या रहता है, एम्पियर रहता है, ऐसी मात्रक, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किसी का भी यदि आपको सिंबल रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल से ही डिनोट आप लोग करोगे, है ना, स्मॉल से आप लोगों को नहीं बताना है। टेम्परेचर की बात की जाएगी, टेम्परेचर में जो आप लोगों का क्या रहता है भाई, केल्विन रहता है, केल्विन। तापमान का क्या रहता है, केल्विन रहता है, इसको हम सी से, केल्विन को के से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो आप लोगों की रहती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, ऐसा ही मात्रक इसका क्या रहेगा भाई, कैंडेला रहेगा, इसको हम सी डी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा आप लोगों का मोल रहेगी और इसको हम एम ओ एल ही लिखते हैं। तो ये जो आप लोगों की जो श्रेणी मैंने आपको बताई है वो आप लोगों को एज इट इज याद कर लेनी है। अब आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ से तो आप लोगों का जो है एम सी क्यू वाला क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यदि आपको लिखने के लिए आए तब आप लोग क्या करोगे, लिखने के लिए आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो तो लंबाई के बारे में बात की जाएगा तो ऐसा ही मूल मात्रक आपको बता दिया है मैंने, क्या है, मीटर है, मूल मात्रक इसका क्या है, मीटर है, ठीक है भाई, मीटर मैंने बता दिया। अब एक मीटर क्या है भाई, एक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात में और वायु में थोड़ा सा अंतर होता है। निर्वात में वहां पर आप लोगों का टोटली वैक्यूम रहता है और आप लोगों का वायु में कोई ना कोई पार्टिकल होता है एयर वाला, लेकिन मैं निर्वात की बात कर रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, प्रकाश निर्वात में एक बटे, और ये जो यूनिट दी गई काफी लंबी, इतने सेकंड, और पल्स का भी काफी बड़ा हिस्सा है यदि तय करता है तो आप लोगों का क्या है भाई, लंबाई है। अब बात की जाएगी द्रव्यमान का, मास। तो मास क्या है, तो फ्रांस के जो है सेवरेस नामक स्थान पर मापतौल अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इसका IVWM, इसका जो है मुख्यालय आप लोगों का कहाँ है भाई, फ्रांस में है। इसमें प्लेटिनियम, प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु से बने कुछ बेलन के रखे हुए हैं जो पात्र, द्रव्यमान का मानक किलोग्राम उन्हीं को कहते हैं, मतलब उनका जो वजन आप लोगों का है ना प्लेटिनियम इरिडियम की धातु की छड़ का, वो आप लोगों का एक किलोग्राम माना गया है। अभी आप कहोगे भाई इसी छड़ को क्यों माना गया, काफी प्राचीन समय से रखी हुई है, अभी तक इसके द्रव्यमान में कोई कमी दर्ज नहीं की गई, मतलब ये है आने वाले काफी लंबे समय तक हम इस राशि को सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए इसी छड़ को चुना गया। समय का मूल मात्रक सेकंड, ठीक है भाई। अब आप लोग कैसे मापोगे, कैसे हम इसको क्या डिनोट, क्या परिभाषा देंगे भाई, एक सेकंड इतने समय में हो जाएगा। सीजियम आप लोगों ने देखा होगा, सीजियम, सीजियम परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के आवर्तकालों की अवधि को एक सेकंड हम लोग कहते हैं भाई। विकिरण के आवर्तकाल, आवर्तकाल आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको तो नहीं पढ़ाया फिलहाल यहाँ पर, पैलाइडिन है तो आपको क्या ही पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूं आवर्तकाल क्या होता है किसी भी चीज को ज्यादा, जैसे कि दोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोलन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर कि निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के आवर्तकाल, मतलब इतने सारे आवर्तकालों की अवधि को एक सेकंड कहते हैं। काफी जल्दी जल्दी चलने वाली प्रक्रिया है, आप लोगों को यह नंबर ध्यान नहीं करना है, यदि आप लिख रही हो शिवानी तो इसको लिखना नहीं है। ओके, आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत इसमें दिया और समय को चतुर्थ भ्रमा के रूप में इसे व्यक्त किया, तो फोर्थ डायमेंशन के रूप में इसको जो है व्यक्त किया था जो समय के भाग को। विद्युत धारा की बात की जाए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मूल मात्रक आप लोगों क्या है, एम्पियर है।
एम्पियर को हम कैसे मापेंगे? दो पतले तारों को निर्वात में यदि 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और समांतर रखा जाए, तो उनमें ऐसे परमाणु की समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को याद जो जो करना है फाइनली विद्युत धारा का एम्पियर आप लोगों को याद करना है, और कोई भी चीज रखने वाली यहाँ पर आपको नहीं है। ओके, फिर मैं आपको ये जो है स्टेरेडियन रेडियन की कोई आवश्यकता नहीं है, फलार्स की मूल मात्रा, ठीक है, ये तो आपको याद, जो चीज आप लोगों को मेन इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। विद्युत धारा, हाँ ये ताप वाला जरूर आपको ध्यान रखना है, केल्विन जो टेम्परेचर आप लोगों का एच का मूल मात्रा जो केल्विन रहता है, जल के त्रिक बिंदु ट्राइपल पॉइंट क्या होता है, ऐसा बिंदु जहां पर ऊष्मा की अधिकतम मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है, कि 1/2 भाग को आप लोग केल्विन कहते हैं, उसका मात्रक जो है क्या होता है टेम्परेचर में, मैं ये आपको समझाऊंगा। ताप मापन की कई सारी पद्धतियां होती हैं, जैसे केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, रूमर होता है और फेरनहाइट होता है, चार पद्धतियां आप लोगों की होती हैं, वो उनके बारे में एक विशेष संबंध होता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। ज्योति तीव्रता यहाँ नॉट कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता है, पदार्थ की मात्रा का भी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। हाँ, रेडियन और स्टेरेडियन आपको ध्यान रखना है, रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है, तो वो आपसे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या के, शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको क्लियरली एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए ये बना हुआ है आपका एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन होता है, मतलब ये आप लोगों की त्रिज्या है और इसी लंबाई का एक कोण ये बना दिया गया लगभग, ये तो त्रिज्या लगभग ये बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज आप लोगों का बन जाएगा। तो बात कर रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन, मतलब ये वाला जो एंगल आप लोगों का है ना, ये वाला वो आप लोगों का रेडियन हो गया। ओके, फिर आप लोगों की बात की जाएगी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन जो आप लोगों का रहता है किसी भी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के, मतलब गोला जो आप लोगों का, ये देखो वृत्त में और गोले में अंतर रहता है, वृत्त में और गोले में अंतर रहता है, वृत्त आप लोगों का एक 2D डायमेंशन है, 2D मतलब इसको हम एक सफेद कागज पर बना सकते हैं लेकिन गोले को नहीं बना सकते, गोला आप लोगों का 3D है, पकड़ के समझ में आएगा ये गोला है। तो वो क्या कह रहा है, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा का वर्गाकार क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर बनाए गए घन को एक स्टेरेडियन कहते हैं। तो इसको कैसे समझोगे आप लोगों का, मान लिया ये आप लोगों का गोला है, मैं इसको पूरा गोला कर दूं, तो सेम कंडीशन इसको अलग ले लिया जाए, हाँ सेम कंडीशन, यहां से यहां तक की त्रिज्या होगी, अभी 3D है तो आप लोगों को उठा हुआ दिखना चाहिए, और फिर उसके द्वारा जो ताप बनाया जाएगा वो भी आप लोगों का स्टेरेडियन कहलाएगा, और ये आप लोगों का रेडियन वृत्त में, ये आप लोगों का गोले में काम करता है, और आप लोगों को कोई परेशानी इसमें नहीं है। ओके, ये आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट की मैंने एक जो दिया है चार्ट, ये आप लोगों को रट लेना है, और ये तो आपको देखो रेडियन और स्टेरेडियन का आप लोगों का जो बना हुआ है कोण और घनकोण, इसके ऐसे यूनिट रहते हैं, रेडियन का आप लोगों का कोण होता है, कोण कोण होता है, और स्टेरेडियन का आप लोगों क्या होता है, घन कोण, क्या होता है, घन कोण, ठीक है। अब आप कहोगे कोण और घन कोण क्यों, देखो ये जो आप लोगों का है वो आप लोगों का गोले से लिया गया, गोला जो आप लोगों का है 3D डायमेंशन होता है, 3D होता है तो उसमें वॉल्यूम भी आप लोगों को काउंट किया जाएगा, आपने कभी देखा है वृत्त का आयतन कितना होता है, नॉट पॉसिबल, 3D डायग्राम जो होता है सिर्फ उसी का आप लोगों का वॉल्यूम होता है, आयतन वॉल्यूम आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर आप लोग घन कोण, यहां पर स्टेरेडियन उसको हम कहते हैं, और रेडियन जो आप लोगों का रहता है वो कोण अकेला होता है। ओके, अगला यहां पर आप लोगों का मूल मात्रक की मैंने आपको बता दिया, अब कुछ एक यूनिट जो है आप लोगों का उनसे बाहर जाते हैं, जैसे कि आप लोग काफी लंबी दूरी को यदि मापना है तो ज्यादा लंबी दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं, यह दूरी का मात्रक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी को खगोलीय दूरी जो है हम कहते हैं, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU के रूप में जानते हैं। ओके, प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष आप लोगों का जो यह दूरी का एक मात्रक है, प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, देखो
यहाँ पर आपको जो मेन बात ध्यान रखना है वो निर्वात को भाई वैक्यूम को ध्यान में रख के चलना। आप लोग वायु और वैक्यूम को क्लियर एक ना मान लेना, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। निर्वात मीन्स आप लोगों का कोई यहाँ पर कोई एयर नहीं है, कोई गैस आप लोगों की यहाँ पर इनपुट नहीं होती है, टोटली बिल्कुल ही मुफ्त है आप लोग यहाँ पर। यदि आप भी रहोगे तो आप चल नहीं सकते निर्वात में, वैक्यूम में आप लोग चल भी नहीं सकते। हर एक चीज आप लोगों की हवा में उड़ेगी, वहां पर कोई फोर्स आप लोगों के ऊपर कार्य नहीं करता है ना। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ऐसा हम 8 और 9 टेंथ में पढ़ते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन हो गया है तो निर्वात शब्द अनिवार्य हो गया है। इसका जो आप लोगों का किसके बराबर होती है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15, इसको यहीं लिख दूं, 15 मीटर के ये बराबर होता है। ओके, अब बात की जाएगी पार्शिक। पार्शिक जो आप लोगों की है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्शिक बराबर जो आप लोगों का 3 इंटू 3 इंटू कितना होता है, 3.08 बोल रहा है, तो चलिए पॉइंट को भी लीजिए, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16 मीटर जो आप लोगों का लिया गया है। ओके, तो यहां पर आप लोगों कोई परेशानी तो नहीं है ना। देखो मात्र का आप लोगों का एक खगोलीय इकाई हो गया, एक प्रकाश इकाई, एक आप लोगों का पार्शिक हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को इन सारी चीजों में कोई परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए, एनी प्रॉब्लम। इस वाले पेज से जो हमको नोट करना है या रटने वाली चीज जो आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों के लिए एक ये है कि एक AU या कहें कि खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आप लोगों को ध्यान रखना है, 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। प्रकाश वर्ष ध्यान रखा जाए 9.46 इंटू 10 की पावर 15, और सबसे बड़ा जो रहता है वो प्रकाश वर्ष का इकाई पार्शिक रहता है, जिसमें पावर सबसे ज्यादा होती है, 3.08 इंटू 10 की पावर 16। ओके, इसमें आप लोगों का पार्शिक जो है आप लोगों का सबसे बड़ी इकाई होती है लंबी दूरी मापने के लिए। अब आप लोगों को एक मैं ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सीखी होगी। अपने पास फाइनली 20 मिनट हैं, तो ये सारी चीजें तो मैं अभी आपको समझा दूंगा 1 मिनट में। हाँ, पार्शिक से काफी मात्रा में क्वेश्चन आता है, पार्शिक वाला जो इकाई है नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की दूरी जो है मापने के लिए किसकी इकाई, या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष से भी आप लोगों का आता है, प्रकाश वर्ष का भी क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अब आप लोगों को यहां तक ये ध्यान रखना है, देखो ये जो रिलेशन वाली है वो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कभार, रिलेशन वाली आप लोगों को पूछ लिया जाता है। देखो 1 किलोमीटर आप लोगों कितना होता है, 1 मीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, मील आप लोगों ने सुना होगा, मील 1 मील आप लोगों का 800 मीटर के बराबर होता है, 2 मील आप लोगों का 1600, 1.6 किलोमीटर लिखा गया ना, 1.6 किलोमीटर मतलब लगभग 800 मीटर के बराबर आप लोगों का 1 मील होता है, माइलस्टोन आप कहते हैं, माइलस्टोन मील जो आप लोगों का रहता है वो। एक नाभिक मील आप लोगों का मतलब जलीय में जल के लिए नाभिक मील का प्रयोग करते हैं, तो 1.8 किलोमीटर आप लोगों का रहता है एक नाभिक मील। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर जो आप लोगों का किसका है, खगोलीय इकाई मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां से आप लोगों का रिलेशन शुरू होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना रहेगा, तो वैसे 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर तो आपने पीछे ही पढ़ लिया, लेकिन एंगस्ट्रॉम यूनिट आप लोगों का जो है खगोलीय इकाई में क्या रहेगा, तो 48612 AU। ओके, एंड पार्शिक के लिए 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, या कहें 3.26 लाइट ईयर, मतलब इसका यूनिट इससे, इसका यूनिट इससे जो है फिक्स करके दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला बनता है, 1 पार्शिक इक्वल टू कितना लाइट ईयर में, तो 3.26 प्रकाश वर्ष इसको हम कहते थे, पार्शिक के रूप में देखा जाएगा तो जो है 3.26 लाइट ईयर, और प्रकाश वर्ष के रूप में देखा जाएगा तो 4.48612, ये 4.8 होना चाहिए भाई, यहाँ कोई ना कोई गलती की गई है। ओके, अभी इतना भी छोटा नहीं होता है AU। ओके, इसके पास भी 11 पावर हैं, ठीक है। अभी मेन जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने रट लिया हो तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इसको आप आज मेरे माध्यम से सीखोगे तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। पहले मेरी बात सुनो, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों का है, ये घातों का बढ़ता हुआ क्रम दर्शा रहा है,
ये वाला जो पोर्शन है वो घाटों का घटता हुआ क्रम दर्शा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिक वैल्यू में काफी ज्यादा फाइन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मेरे सिर्फ हाथों को देखना है, यहां पर जो आप लोगों को दिखा रहा है ना वो देखो डेका आप लोगों को दिखा रहा होगा, डेका डेका में आप लोगों का कितना क्या एक होता है, तो हम इस यहां से शुरुआत कर सकते हैं। डेका मतलब पहला वाला, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अपनी फिंगर को तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, मतलब यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तीन यहां पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अभी जहां पर रखेंगे उतने ही पावर आप लोगों का ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, तो इससे आपको क्या है रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को क्या है जो प्रीफिक्स आप लोगों के है ना डेका हेक्टो क्लो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा उनको याद करना है, या जो माइनस वाला है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो ये आप लोगों को याद करना है, लेकिन आप लोगों को उसकी पावर याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो एक बार बता दूं, डेका डेका पर एक है तो आप लोगों का एक ही आ रहा है, हेक्टो पर दो है तो दो आ रहा है, किलो पर आप लोगों का तीन है तो तीन आ रहा है, तो डेका हेक्टो किलो पहले पर एक आ रहा है तो आप लोगों का एक ही आएगा, हेक्टो पर दो आ रहा है तो दो ही आएगा, किलो पर तीन है तो तीन ही पावर आएगा। डेका हेक्टो किलो मेगा मेगा पर आप लोगों का सिक्स पावर आ रहा है तो सिक्स ही आएगा, गीगा गीगा पर नाइन आ रहा है तो नाइन ही आएगा, टेरा पर ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व ही, यहां तक ट्वेल्व ही अपना गिनती गिनते हैं ट्वेल्व, पेंटा पर फिफ्टीन ही आएगा, हेक्सा पर आप लोगों का 18 ही आएगा। तो आप लोगों को आई थिंक इससे क्या है आसानी से याद हो जाएगा। देखो एक बार और बता दूं, डेका हेक्टो क्लो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, ठीक है, डेका हेक्टो क्लो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, आप लोग कैसे रटना नहीं है। देखो डेका हेक्टो क्लो जो मैं बोल रहा हूँ पावर यहीं पर लगी हुई, देखो डेका मतलब वन, हेक्टो यानी टू, क्लो यानी तीन, डेका हेक्टो क्लो आपकी पहली वाली उंगली पर ही है, मेगा मतलब छह पावर उस पर, गीगा आप लोगों का नौ पावर है उस पर, यहां पर आप लोगों का नौ ही होता है, टेरा ट्वेल्व होता है, पेंटा फिफ्टीन होता है, एक्जा आप लोगों का एटीन होता है। तो ये आप लोग अपने लिए सेल्फ में प्रयोग कर सकते हो। सेम कंडीशन आप लोगों का माइनस वाली खातों में पुट हो रहा है, यहाँ पर आप लोग का देशी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो पूर्व प्रत्यय जो आप लोग हैं वो आप लोग को याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ तक आप लोगों को इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, चलिए कोई नहीं, मतलब आप भी गए नहीं सर, अच्छा समझाया, थैंक यू। ये अपना हैंड टिप्स फिंगर टिप्स आप कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज ऑफ हम पावर में जो आप लोगों का रहता है हमको हर बार परेशानी रहता है कि हम लोग जो है भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग यदि ऐसे याद कर लोगे कभी भूलोगे नहीं, सिर्फ आपको प्रीफिक्स याद करना है, और प्रीफिक्स याद नहीं करना है, एक गाने की तरह बोलो, डेका हेक्टो क्लो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, माइनस वाले के लिए देशी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है, इसको यदि आप लोग ऐसे बोलोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, और एक बार ओनली वन टाइम, देखो फिंगर पर ही डेका हेक्टो किलो, मतलब डेका आप लोग का वन पावर है तो वन घात हो गया, हेक्टो पर दो है तो दो वाली पर आ गया, किलो पर तीन है तो तीन वाली पर आ गया, डेका हेक्टो किलो मेगा मेगा पर आप लोग का छह होता है छह हो गया, किलो पर आप लोग का नौ होता है नौ हो गया, डेका हेक्टो किलो मेगा देखा है टुकलो मेगा गीगा टेरा टेरा पर आप लोगों का 12 होता है, यहाँ पर आप लोग गुणोगे 12 तक ही आ पाओगे, पेंटा आप लोगों का 15 होता है, हेक्सा आप लोगों का 18 होता है। सेम कंडीशन माइनस वाले में पुट होती है, माइनस में देखो एक बार आपको जो है प्रीफिक्स याद करना पड़ेगा, हाँ इसमें माइनस वाला जो आपको याद करना है तो माइनस वाला किस तरीके से याद करोगे, आपको प्रीफिक्स ओनली बस याद करना है, प्रीफिक्स में आप लोगों को याद करना है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, एक बार यदि आप लोग इन चीजों को याद कर लोगे तो फिर आप लोगों को कभी भी लाइफ टाइम परेशानी नहीं आएगी। अभी ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा एक नैनो इक्वल टू क्या, ये आपसे पूछे जाते हैं यूनिट लगा करके, जो यूनिट मैंने आपको पीछे पढ़ाई है ना ये वाली, जैसे कि ये पूछा जाएगा एक नैनोमीटर लंबाई की ये वाली इकाई पीछे लगेंगी तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा एक नैनोमीटर इक्वल टू कितना कितना क्या, एक नैनोमीटर यदि आप लोगों से पूछा जाएगा मीटर के रूप में,
अब आप लोगों से दूसरा वाला भी पूछा जाएगा, एक नैनोमीटर इक्वल टू कितना डिगेगा, टेरा पेंटा कुछ ना कुछ, एक नैनोमीटर इक्वल टू कितना रहेगा, तो एक नैनोमीटर इक्वल टू आप लोग क्या रहेगा, नैनो आप लोगों की माइनस की है, तो नैनोमीटर इक्वल टू क्या रहेगा, 10^-9 मीटर, है ना। मतलब आपको जो पीछे जो लगा हुआ है उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछ सकता है एक पेंटामीटर इक्वल टू, तो आप बताओगे 10^15 मीटर, पीछे जो मीटर लगा हुआ है उसी से आपको बताना है। वो पूछ सकता है एक फेमटोमीटर, फेमटो मतलब आपका 15 लगा हुआ है, तो 10^15 आपको बताना है, ठीक है। यहां तक आपको कोई परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए, तो यहां तक आपको क्लियर है, चलो अच्छा है, कोई परेशानी यहां तक आप लोगों को नहीं है। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाना था, उससे पहले मैं आपको एक बार और जो बताना चाहूंगा, सबसे पहले वाली बात जो शायद थोड़ा सा आप लेट हो गई थी, मेन जो आप लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों का आता है उसको क्लियर बिल्कुल कर लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ तक आप, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करना होगा, एंड कल से इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं।